गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एक बार सभी सेशन में जुड़ेंगे फटाफट ओके okay. आज जो है अपने टॉपिक का मैं जो आखिरी पॉइंट देखने वाला हूं दैट इज दैट इज

वे वर्निंग तो चलिए आज उसी को फटाफट देखते हैं तो सभी सेशन को ज्वाइन कर लेंगे चीजें अपन स्टार्ट करते हैं फटाक से चलिए वेट एंड वॉच एक बार चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दूं चलिए चलिए जी सभी जुड़ जाएंगे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ओके चलिए नौ यहां मैं बात कर रहा हूं आर्मेचर वाइनिंग दो तरीके से होते हैं पहला लेप वाइनिंग दूसरा वेव वाइनिंग लेप के लिए बोला लो पोटेंशियल तो वेव के लिए क्या हो जाएगा हाई पोटेंशियल तो इतनी चर्चा हमने फिलहाल किया हुआ था नौ इनके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन अब अपन कर लेते हैं कि लेप की अगर बात हो रही है और वेव की बात हो रही है तो एक सेकेंड देखना अब वाइंडिंग की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं तो यहां से एक चीज देखना यहां से एक चीज आप देखना कि सर ये लेप है और ये वेव है वेव का मतलब कैसा होता है ऐसा वेव का मतलब कैसा होता है ऐसा तो वाइंडिंग कहीं ना कहीं क्या होगा एक छोर अगर आपने पकड़ा स्टार्ट किया है तो वो छोर कंप्लीट करके ही लौटेगा है ना जितने स्लॉट होंगे वो कंप्लीट होता जाएगा वाइंडिंग होते जाएंगे और फिर दूसरा तार आएगा लॉट क्या वेव का मतलब ये होता है और लेप का मतलब होता है हर पोल पे आपके वाइंडिंग क्या होंगे पे कंप्लीट हो जाएगा एक ही पोल हर पोल पे के पास आपका वाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है तो हम एक बार इसके कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि लेप और वेव किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं फिर हम इसके में आगे बढ़ने वाले हैं ओके तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं सर टेस्ट सीरीज नहीं करते हैं टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज इंजीनियर्स टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज ऐप पर जाइएगा मिल जाएगा और तकरीबन 100 जेई एग्जाम से ज्यादा एग्जाम के टेस्ट सीरीज हमने अवेलेबल कराए हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप के नाम से ऐप होगा जिसमें 100 से ज्यादा जेई एग्जाम के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ओके चलिए अब मैं बात कर रहा हूं सर लेप वाइंडिंग की एंड वेव वाइंडिंग की पहली बात लेप वाइंडिंग और दूसरी बात वेव वाइंडिंग दूसरी बात क्या है वेव वाइंडिंग है ना पहला लेप और दूसरा वेव सर लेप वाइंडिंग कैसा होता है समझेंगे वेव कैसा होता है इसको समझेंगे तो समझिए एक मशीन के अंदर एक्चुअली होता क्या है यहां पे आइएगा यह मशीन है ये मशीन जब है इसको अच्छे से समझते ये मशीन है तो इस मशीन में क्या होता है वाइंडिंग की जाती है अब मान लो ये दो पोल का मशीन है इसका मतलब वाइंडिंग एक यहां होगा दूसरा यहां हो, इस तरीके से चल रहा होगा दूसरा स्लॉट यहां अगर होगा तो वाइंडिंग इस तरीके से चल रहा तीसरा जब होगा तो इस तरीके से चल रहा तो दो पोल मशीन में अलग बात होती है यही होता कि सर फोर पोल होते हैं यहां पोलों की संख्या ज्यादा होती पोलो की संख्या ज्यादा होती तो वाइंडिंग कैसा होता है यहां पे यहां पे है ना दूसरा पहले देखो कैसे होता है आइए मैं समझाता हूं आइए वाइंडिंग के बारे में पहले समझिए एक बार अगर दो पोल मशीन होता है ध्यान से समझना है अगर टू पोल मशीन रहेगा टू पोल मशीन रहेगा टू पोल मशीन रहेगा ये लीजिए अगर सिर्फ दो पोल मशीन है तो कंडक्टर जो है यहां वाला जो वाइंडिंग होगा ये देखना किस तरीके से वाइंडिंग होते हैं यहां का यहां से ओके यहां का वाइंडिंग यहां से का यहां से। का वाइंडिंग यहां से तो ये टू पोल मशीन में इस तरीके से आपके क्या होते हैं कंडक्टर ऐसे जाएंगे पीछे से लौट के फिर यहां से आएंगे टू पोल मशीन के लिए ऐसा होगा गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग अगर फोर पोल मशीन हो जाए तो देखना एक सेकेंड के लिए यहां पर देखना यहां पर एक सेकेंड के लिए फोर पोल मशीन की अगर बात हो जाए फोर पोल मशीन की फोर पोल मशीन की एन एस एन एस है ना ये क्या रहा जी फोर पोल मशीन ये क्या है आपका फोर पोल मशीन अब जो वाइंडिंग होगी वो ऐसे ऐसे नहीं होती अब जो वाइंडिंग होगी ना देखना यहां स्लॉट्स होगा समझने की बात है एकदम बारीकी से आपको समझना है जी एकदम बारीकी से समझना है जी चलिए एकदम बारीकी से समझना आइए यहां देखिए अब क्या है सर पहले एन पोल पर पो है यहां पे अगर कोई कट किया तो यहां पे कट किया होगा तब मशीन में एक प्लस तो दूसरे साइड माइनस लेकिन यहां अगर बात करें इस मशीन में सर एन पोल तो यहां है फिर एस यहां आ गया फोर पोल में फिर एन यहां आ गया और फिर क्या हो गया एस यहां आ गया तो यहां पर समझिएगा ये एक टू पोल मशीन है टू पोल मशीन है जबकि ये क्या है एक फोर पोल मशीन है ये क्या है जी फोर पोल मशीन है अब जो है स्लॉट देखिएगा एकदम बारीकी से काफी अच्छे समझना चाहिए अब यहां पर मान लो जो भी स्लॉट्स होंगे अब कंडक्टर पता है कैसा रहता है यहां देखिएगा यहां के कंडक्टर जो होंगे वो किस तरीके से होंगे यहां देखिए यहां जो कंडक्टर होगा वो कहीं ना कहीं यहां से वाइंड ऑफ होंगे ये देखो ओके okay, उसके बाद वाला दूसरा लेयर की चर्चा करूंगा यहां वाला कंडक्टर इसके इस पोल से होगा तीसरा कंडक्टर और ज्यादा पोल बढ़ाएंगे और ज्यादा तो देखिएगा यहां का जो कंडक्टर होगा वो यहां से तो इस तरीके से चलते जाता फिर एनएस करता जाएगा फिर देखिए तो क्लियर है यहां वाला वाइंडिंग यहां से यहां वाला वाइंडिंग ऐसे तो इस तरीके से वाइंडिंग प्रोसेस चलता है मतलब और क्लियरिटी आपको समझना है तो एक वाइंडिंग यहां दिखाइए यह दूसरा ऐसा तीसरा इधर से ऐसा और वो लगातार डिफरेंट डिफरेंट लेयर में चलता जाएगा अगर यहां पे क्लियर विजुअलाइजेशन है तो आपको ठीक है अदरवाइज देखना अब जब पोलो की संख्या बढ़ जाएगी तो कंडक्टर कभी भी ऐसे घूम के नहीं आएगा है ना यहां पे बात आती है क्वाल पिच क्वाल क्यों कोडेड क्वाल किए जाते हैं तो इनके कॉन्सेप्ट बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं का क्या इंपोर्टेंस रोल होता है है ना हमेशा कंडक्टर यहां घुसा के यहीं से नहीं निकालना है वो पोलो की संख्या पर भी निर्भर करेगा और कोडेड वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए ठीक है ना आइए अब मैं बात करूंगा कि सर यहां पे जो ये पोल है कैसे फिलहाल और अच्छे से दिखाइए तो ये एक अरेंजमेंट हुआ जिसमें बहुत सारा कंडक्टर को मैं दिखा सकता हूं ये एक अरेन्जमेंट है जिसमें मैं बहुत सारा कंडक्टर को दिखा सकता हूं अब रही बात आइए एक बात कि सर फिलहाल जो है ओवर व्यू दिखाने के लिए चूंकि इस तरीके से मैं करूंगा तो आपको दिखेगा बहुत ज्यादा कंडक्टर बहुत ज्यादा दिखेगा हालांकि अगर मैं बेसिक एकदम नीट एंड क्लीन दिखाना चाहूं कम से कम स्लॉट में दिखाना चाहूं तो देखिएगा ये कंडक्टर एक यहां से रहेगा तो फिर दूसरा कंडक्टर यहां से रहेगा ये एन पोल से एस पोल यहां भी रहेगा है ना फिर नेक्स्ट कोई रहेगा यहां से यहां रहेगा ऐसे कंडक्टर का अब चलेंगे आपके फिर नेक्स्ट की बात करें तो, तो यहां से यहां रहेगा तो अब जो है देखिए क्वाइल जो है किस तरीके से जाने लगा

पीछे वाले वायर पे कभी भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता पीछे वाले वायर पे कभी भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता यहां पे देखिए जब कभी ईएमएफ मशीन की होगी ये कंडक्टर है ये कंडक्टर रहा होगा इस मशीन का देखिएगा दो सेकंड के लिए तो हमेशा ईएमएफ प्रोड्यूस किसके कारण होता है या टॉर्क मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस किस कंडक्टर के कारण होता है या जनरेटर में करंट जो है किस कंडक्टर उत्पन्न होता है तो ये वाला यहां से जो गया होगा ना ये कंडक्टर हमेशा इफेक्टिव होता है इसी पे हमेशा यहां पर उत्पन्न होता है क्योंकि ये क्या करता है जी आपके फ्लक्स को कट कर रहा है दूसरा ये कंडक्टर इफेक्टिव होता है तो हमेशा जो आपने पढ़ा होगा बी वी एल जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है तो वो हमेशा यही होता है और यही कंडक्टर आपका क्या होता है इफेक्टिव होता है इतना ही दूर कंडक्टर में क्या होता है ई प्रोड्यूस होता है तो क्या इस पीछे जो पीछे जाके घूम के आया होगा जो कंडक्टर आगे से गया होगा स्लॉट्स में और लॉट के पीछे से फिर आया होगा तो जो पीछे वाला सेगमेंट है वो ये रहा होगा पीछे वाला सेगमेंट क्या है ये इसमें कोई भी ई प्रोड्यूस नहीं होता नो ई नो ई प्रोड्यूस तो हमेशा कंडक्टर का इफेक्टिव लेंथ जो कंसीडर होता है वो ये वाला है मतलब मशीन के अंदर जो सेगमेंट में जा रहा होगा जो कंडक्टर वही इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है वही इफेक्टिव ऑफ ऑफ लेंथ कंडक्टर कंडक्टर होता है ओके कभी भी के पिछले हिस्से में प्रोड्यूस नहीं होता सर क्यों नहीं होता अगर ये जनरेटर की बात करें तो पिछले हिस्से में ई प्रोड्यूस नहीं होता तो क्यों नहीं होता क्योंकि आप देखना दो सेकंड के लिए मैं इमेज बना दे रहा हूं बाद में हटा दूंगा देखिए पोल यहां पे है और दूसरा पोल यहां पे है एक मशीन के अंदर ये है और यही ना घूमता है यही कंडक्टर आपका घूमता है यही ना घूमता है जी ये घूमेगा लगातार तो घूमेगा तो इसके फील्ड को जो ए एन टू एस फ्लक्स बनेगा उसको कट ये कर रहा। लेकिन ये पिछला हिस्सा इस लाइन के हो गया कि नहीं नहीं देखिए इस लाइन के हो गया सो इसमें कोई भी प्रोड्यूस होता अगर जनरेटर की बात करें तो लास्ट जो पीछे से जो घुड़ के आता है ना कंडक्टर उसमें कोई भी ई प्रोड्यूस नहीं होता इसीलिए मशीन में हमेशा कोडेड कोयल का इस्तेमाल करते कौन सा कोडेड कॉयल ये आपको अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आएगी आगे मैं कराऊंगा पोल पिच क्या होता है पोल आर्क क्या होता है कोडेड कॉल क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड है, वाइंडिंग क्या होती है कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग क्या होती है ये सारी चीजों की चर्चा अपकमिंग क्लास में होंगी ओके

चलिए तो मैं यहां बात कर लेता हूं कि आई सो क्लियर चल रहा है पोलों की संख्या बढ़ने पर जो कोडेड क्वाल होते हैं वो यूज होता है अब जो कंडक्टर यहां से यहां से घूम के आता था अब ये इतना ही घूमा और पोल की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टर यहीं यहीं लपेटा जाएगा ऐसे ऐसे लपेटा जाएगा लो ऐसे ऐसे लपेटा जाएगा ये लोग ओके okay? तो ये इसके बात रही लेकिन अपन सर किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं आइए बहुत ज्यादा इधर नहीं जाएंगे सर अपन तो पढ़ रहे हैं किसके बारे में लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग तो वेव वाइंडिंग कैसा होगा और लेप वाइंडिंग कैसा होगा इनकी चर्चा एक बार होनी चाहिए आइए तो कैसे देख रहे हो पोल पे ये क्यों समझा रहा था ये क्यों समझाया कि पोल पर मशीन के पोल पर वाइंडिंग होती है मशीन के पोल के सामने जितने स्लॉट्स होंगे जितने स्लॉट्स होंगे उसको बोलते हैं स्लॉट्स पर पोल इनकी चर्चा आगे अच्छे से होगी मैं कराऊंगा जैसे कि एक पोल पर मान लो कि तीन स्लॉट आ गए तो उसको बोलेंगे स्लॉट पर पोल है ना स्लॉट पर पोल पोल पिच के अंदर आता है वो है ना तो ये सब चर्चा होगी सो अगर एक पोल पर टोटल मान लो इसमें कितने स्लॉट्स होंगे टोटल स्लॉट्स सर बारह है कितने बारह तो एक पोल पर कितने पड़ गए तीन स्लॉट तो इसको बोलते हैं स्लॉट पर पोल क्या बोलते हैं स्लॉट पर पोल ओके तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए आगे मैं इनको बताऊंगा डोंट वरी अगर नहीं भी जान रहे तो मैं हर चीज को बताऊंगा ठीक है ठीक है ठीक है आइए सर लेप वाइनिंग क्या होता है तो थोड़ी सी समझेंगे यहां पर आइए लेप वाइंडिंग के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए मान लो एक पोल पर कितने स्लॉट है सर तीन स्लॉट एक पोल पर मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं कितने स्लॉट बन रहे हैं तीन और ये पोल कौन सा है जी ये देखिएगा मैं कहता हूं कि यहां पे जो पोल है सर ना एक है एन पोल एक है एस पोल एक है एन पोल यहां एस पोल है ना इतना ही पोल मैं आगे के लिए भी लूंगा इतना ही पोल मैं क्या करूंगा आगे के लिए भी लूंगा समझना अच्छे से थोड़ा सा वक्त दीजिए अच्छे से समझ जाएंगे इसको थोड़ा सा वक्त दीजिए अच्छे से समझ जाएंगे ओके मान लो फोर पोल लेप वाइंडिंग के लिए बनाया और वेव वाइंडिंग के लिए भी चार पोल मशीन की चर्चा कर रहा हूं कितने फोर पोल फोर पोल मशीन की चर्चा कर रहा हूं तो क्लियरिटी होगा टू पोल मशीन का भी कर सकते हैं पर उसमें क्लियरिटी आपको जल्दी नहीं दिखेगा इसीलिए मैं चाहता हूं फोर पोल मशीन में डिस्कस करूं ताकि क्लियरिटी हो अब देखो हर पोल पे कितने स्लॉट ले रहा हूं तीन स्लॉट मतलब तीन स्लॉट पोल पर या देखो स्लॉट पर पोल का मतलब है स्लॉट पर पोल का मतलब है कि एक एक पोल के अंदर जो है एक पोल के अंदर जो है कितने स्लॉट आ रहे हैं देखिए अगर मैं कहूं ये मशीन का पोल है पोल की संख्या कितनी है चार और उसमें कितने स्लॉट मैं कहता हूं एक स्लॉट दो स्लॉट तीन स्लॉट टोटल अगर मैं बात कहता कि बारह स्लॉट है कितने स्लॉट है बारह फिर देखना टोटल कितने स्लॉट है सर बारह टोटल कितने स्लॉट बारह तो स्लॉट पर पोल स्लॉट पर पोल एक पोल पर कितने हो गए सर तीन स्लॉट पर पोल कितने हो गए सर तीन क्यों सर बारह टोटल स्लॉट है और चार पोल का हिस्सा है तो कितने होंगे स्लॉट पर पोल तीन आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज इसमेंगे हाँ टेस्ट सीरीज बिल्कुल डिफरेंट है हमारा टेस्ट सीरीज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे उनके लिए कुछ टेस्ट दस टेस्ट आप लोग को फ्री मिले मोक टेस्ट वो एक अलग है लेकिन ये कंप्लीट जो अभी जो मैं बता रहा हूं वो टेस्ट सीरीज आपको एक टेस्ट सीरीज के अंदर साठ साठ अस्सी अस्सी टेस्ट सीरीज मिलेंगे जिसमें एक बार अगर टेस्ट सीरीज में इनरोल किए तो सौ सौ के सौ जेई के एग्जाम में आप इनरोल हो सकते हो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का जो टेस्ट सीरीज है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप इस ऐप को आप कोई भी बंदा इसको परचेज कर सकता है इस टेस्ट सीरीज को यहां पे एक खासियत अभी उसमें कूपन भी आएगा अभी बहुत सारी चीज ऐड होने की बाकी है लेकिन उसमें टेस्ट आ चुका है अगर आप एस एस का लेते हो तो आरबी भी आप दे सकते हो यूपीपीसीएल दे सकते हो यूपी uh, यूपीआरबीएनएल दे सकते हो जितने भी सौ जई के टेस्ट चीज के लिए एलिजिबल हो ये खासियत है एक टेस्ट बाई करने पे सारे टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो डीआरडी हो कुछ भी हो उसमें आप देख लेना दूसरा हिंदी है इंग्लिश है बाइलैंग्वेल है सारा टेस्ट चीज अवेलेबल है एक एक टेस्ट सीरीज में हमको लगता है पचास पचास सेट है किसी में सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है में हमको लगता है सत्तर टेस्ट या पैसठ टेस्ट सीरीज है अभी अवेलेबल तो एक बार एस का ले लिया तो डीआरडीओ भी आप देख सकते हो उसमें सौ टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो ये एक बेनिफिट है यहां पे टेस्ट सीरीज का बिल्कुल जी बिल्कुल पहले अब अपन काम पे बात कर लेते हैं फिर इन सब चीजों की चर्चा होती रहेंगी ओके तो यहां पर बात रही अब समझ रहे हो एक पोल के हिस्से में कितने स्लॉट आ रहे हैं तीन इसी को बोलते हैं स्लॉट पर पोल क्या बोलते हैं जी स्लॉट पर पोल आइए थोड़ी सी चर्चा यहां पे हो जाए लैप वाइंडिंग में मैं कहता हूं एक पोल के सामने कितने स्लॉट आए तीन तीन स्लॉट आए आइए अब इस पर चर्चा हो जाए एक बार हर हर पोल पे कितने स्लॉट सर तीन तीन स्लॉट हर पोल पे कितने स्लॉट तीन तीन स्लॉट आइए आइए ये सेम चीजें इधर भी हम डिस्कस करेंगे हर सो चाहे वाइंडिंग में लेप करूं या वेव सब पे मैं ये एग्ज्यूम करता हूं सेम चीज कि एक पोल पर कितने स्लॉट आ रहे हैं तीन स्लॉट एक पोल पे कितने स्लॉट तीन स्लॉट तो अब इसके जो वाइंडिंग का तरीका होता है इनका जो वाइंडिंग का तरीका होता है वो देखिए क्या होता है कहता है ये ये क्या कहता है कि मेरा एक कंडक्टर का जब यहां से मैं इस स्लॉट से जब कंडक्टर डाल रहा हूं इस से क्या कर रहा हूं कंडक्टर डाल रहा हूं तो यहां देखना यह यहां गया और ये कंडक्टर कहां जाएगा दूसरे एन पोल का कंडक्टर दूसरा छोर कहा जाएगा एस पोल पे एन छोर का एक कंडक्टर दूसरा कहा जाएगा एस पोल पे यहां पे देखिए यहां पर देखिए जो भी कंडक्टर अगर दो पोल मशीन है तो एक छोड़ अगर एन पोल पे गया है तो दूसरा छोड़ कहां से निकलेगा एस पोल पे तो यह कब की बात हुई टू पोल पोल मशीन मशीन की की लेकिन अगर फोर की कोई चर्चा कर ले तो एन, अब ये सीधा नहीं जाएगा अब एन पोल पे एक गया कंडक्टर एक स्लॉट में तो दूसरा जो निकलेगा वो हमेशा एस से, से निकलेगा और ये एस अपोजिट साइड तो है नहीं बगल में ही है एन एस एन एस तो ये यहां से जाता है तो बगल से ही लॉट के आता है इससे इसको बोलते कोडेड क्वाइल है ना जो अपने एक सौ अस्सी डिग्री एंगल से अब क्या होगी अच्छा हो तो एस पे आया एन से गया तो एस पे आया तो अब ये लौट के दूसरा पोल पे फिर नहीं चला जाएगा मतलब है यहां से जो आया यहां जो आप डाले दूसरा यहां से आया अब ये आगे फिर नहीं चला जाएगा ये लौट के फिर इसी में आएगा और इसी तरीके से लगातार ये टोटल कंडक्टर चलते रहेंगे टोटल कंडक्टर चलते रहेंगे जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए इस स्लॉट में मान लो सौ कंडक्टर देने हैं तो कंप्लीट करके इसको सौ पूरा कर लेना है दैट इज लेप वाइंडिंग आइए इस तरीके से लेप वाइंडिंग होते हैं हमारे आइए अब एक पोल का ये घूमता रहेगा ये घूमता रहेगा ये लो इसी का इसी के साथ घुमा तब तक घूमता रहेगा जब तक ये स्लॉट कंप्लीट ना हो जाए जब तक ये स्लॉट क्या हो जाए कंप्लीट ना हो जाए सो दिस मेथड इज नोन एज लेप अभी और भी चीजों की चर्चा होगी और सर फोर पॉलन है इसको खाली छोड़ देना है क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना है खाली इसको भी लेके आना है और इसको भी अपन को आगे बढ़ाना है दूसरे आने आया फिर मतलब समझिए कंप्लीट हो गया ठीक है ये चीजें फिर अपन हाँ क्या करेंगे NS, 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 को क्या करेंगे कंप्लीट करते जाएंगे तो लेप वाइंडिंग में क्या करेंगे इस एनएस एनएस में करते गए यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां, यहां, यहां और भी स्लॉट आए मतलब इस इसका पहला स्लॉट इसके पहले स्लॉट में जाएगा इसका दूसरा स्लॉट इसके दूसरे स्लॉट में जाएगा इसका तीसरा स्लॉट इसके तीसरे में जाएगा इस तरीके से वाइंडिंग होगी अब जब लेफ्ट का दूसरा पोल फिर भर गया तो इसका एन इसके एस से जाएगा इनका एन यहां से जाएगा जाएगा इनका एस यहां यहां से से ओके इस तरीके अपन करते हैं तो यहां पे प्रोसीड कर दीजिए इसको इसको प्रोसीड कर देते अपन ये लो एक कंडक्टर का एंड दूसरे कंडक्टर के एंड से फिर वो लोट के पहले वाले कंडक्टर के पास सलॉट में आता है और फिर जाता है और दिस मेथड इज कॉल्ड लेप वाइंडिंग दिस मेथड इज कॉल्ड लेप वाइंडिंग एक वाइंडिंग अगर कंप्लीट हो गया तो वो अपने एडजेसेंट पोल पे फिर नहीं जाता वो अपने प्रीवियस पोल पे ही लपेटा जाता है बार बार दिस इज कॉल्ड लेप वाइंडिंग तो सर लेप वाइंडिंग समझ गए इसको ऐसा वाइंडिंग प्रोसेस कहते हैं तो वेव को भी कंपैरिजन कर लेते एक बार फटाफट फट, फिर इसके बाद में एनालाइजेशन करेंगे हर चीजों का तो अब आइए कहता है कि वेव वाइंडिंग मतलब अब क्या करें फोर पोल मशीन में अब आपको वेव वाइंडिंग करना है तो वेव वाइंडिंग कैसा होगा सर प्रैक्टिकल में तो एक स्लॉट पे बहुत कंडक्टर अ लपेटते हैं ना बिल्कुल एक कंडक्टर एक स्लॉट में तो बहुत सारा कंडक्टर होता है मैं तो चर्चा कर ही रहा हूं मैं तो चर्चा कर ही रहा हूं अब मैं यहाँ पे यहाँ पे एक स्लॉट में बहुत सारा कंडक्टर होगा स्लॉट में कंडक्टर होगा फिर इसका जो तार निकला वो आगे जाएगा यहाँ पे मान लो मैंने कह रहा सौ कंडक्टर भर दिया तो पहले सौ को भर लो फिर नेक्स्ट आना फिर यहां पे 101 से शुरू करना फिर यहां पे 200 200 तक जाएगा फिर एक वायर को निकाल के फिर यहां से 300 तक जाएगा तो टोटल क्या हो गया स्लॉट पर पोल बहुत सारा कंडक्टर जाएगा लेकिन दूसरा मेथड जब बात करें दैट इज वेब तो वेब कैसा होता है सर यह ऐसा मतलब एक बार एक पोल पे आपने अगर वाइंडिंग स्टार्ट कर दिया है तो वो दूसरे पे भी जाएगा तीसरे पे भी जाएगा चौथे पे भी जाएगा और वेव सिर्फ ऐसा बन जाएगा दैट इज कॉल्ड वेव वाइंडिंग आइए देखते हैं वेव वाइंडिंग का तरीका कैसा होता है आइए देखिए वेव शेप का नाम से ही पता चल जाएगा आपको जाइए आइए अगर मैं यहां पे चर्चा करूं ठीक है चलिए एक कंडक्टर एन पोल पे एक स्लॉट में एक कंडक्टर मैंने डाला ठीक है अब ये क्या करेगा यहां से लेगा दूसरे पोल के कंडक्टर को ओके okay, दूसरे पोल को अगर ये लौट के आने लगे तब तो ऐसा ही बन गया लेकिन ये लौटेगा नहीं एक पोल का कंडक्टर क्या करता है जो यहां से निकलता है जो निकलता है अब ये क्या करेगा अब ये क्या करेगा लौट के इधर नहीं आएगा अपने एडजेसेंट पोल की ओर ये मूव कर जाता है और इस कंडक्टर को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा इस कंडक्टर को क्या करना पड़ेगा आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा नौ इस कंडक्टर से होते हुए कंडक्टर निकला और फिर इसको एडजेसेंट पोल फिर आगे वाले पोल पे जाएगा और ये जब जाएगा तो एन एस एन एस आया तो फिर लौट के ये यहीं आएगा कहां आएगा यही आएगा ये आपको दिख रहा दूरी में जब आओगे तो ये यहीं पे आ जाएगा देखना ये देखना एक कंडक्टर यहां से यहां से किया यहां पे ठीक है यहां से फिर करूंगा यहां पे यहां से फिर करूंगा यहां पे और यहां ये यह इसके पास आ गया ना फिर अब दूसरे स्लॉट में भरते जाएंगे एक में भर दिया था तो अब दूसरे में भरते जाएंगे फिर उसके आगे फिर प्रोसेस करेगा फिर तीसरे में भरते चले जाएंगे तो इस तरीके से प्रोसीड करता है दैट इज कॉल्ड लेप सॉरी वेव वाइंडिंग कैसा प्रोसेस बन गया ये वेव वाइज जैसा बन गया अब ये फिर कंडक्टर यहां पे आएगा यहां वाला कंडक्टर यूक जब घुमा होगा ये घुमा होगा तो इसके करीब आ जाएगा फिर इधर से स्लॉट कंप्लीट होंगे फिर इस तरीके से स्लॉट कंप्लीट होता है तो ये जो नेचर बना कैसा जब बन गया वेव टाइप का नहीं बन गया क्या ये कैसा बन गया वेव सेप का इसलिए इसको वेव वाइंडिंग बोलते हैं और इसको लैप वाइंडिंग बोलते हैं एक जगह ही लपेटा चल जाता है सर जी कॉलेज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ पढ़ समय या ये तो दिमाग से बाहर है था लेकिन अब क्लियर हो गया ओके कार्तिक को क्लियर हो गया पहले दिमाग से बाहर चल रहा था तो आई होप सो आप देख रहे हो कि पोल में वाइंडिंग किस तरीके से की जा रही है स्लॉट पर वाइंडिंग किस तरीके से की जाती है दो प्रोसेस होते हैं और इसमें एक होता है लेप वाइंडिंग दूसरा है वेव वाइंडिंग ऑब्वियसली आप समझिए ऑब्वियसली आप आपको समझने की जरूरत होगी बहुत सारा चीज समझेंगे यहां से ऑब्वियसली जब पोलो की संख्या बढ़ती चली जाएंगी इस टाइप के कंडक्टर को देखिएगा और जब इसमें पोलों की संख्या जब बढ़ती चली जाएंगी तो पोलो के साथ साथ टर्मिनल भी बढ़ता जाएगा देखिए टर्मिनल एक टर्मिनल दो टर्मिनल तीन टर्मिनल चार टर्मिनल तो जब फोर पोल मशीन है तो टर्मिनल आपको ज्यादा मिल रहा है है ना टर्मिनल क्या मिल रहा है ज्यादा अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है फिर यहाँ प्लस है फिर माइनस है तो ऐसे कंडीशन में टर्मिनल ज्यादा है तो बताइए आपको ब्रश भी ज्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं ब्रशेस भी रिसीव करने के लिए ज्यादा यूज करना पड़ेगा कि नहीं है ना तो लेप वाइंडिंग में क्या होता है नंबर ऑफ पोल जितना आप यूज करते हो उतना ही नंबर ऑफ ब्रशेस का भी इस्तेमाल होता है लेप वाइंडिंग में हमेशा दिमाग रखना है टर्मिनल्स बढ़ते जाएंगे क्योंकि एक वाइंडिंग कंप्लीट उधर ही कर लिया दो टर्मिनल उधर बढ़ गया दो फिर और पोल होता आठ पोल होता तो और टर्मिनल्स बनते तो ब्रश की संख्या बढ़ गई ना इस कंडीशन में क्या होता है ब्रशेस की संख्या ऑब्वियसली क्योंकि कलेक्ट करेगा इस बाइंडिंग कांट कलेक्ट करेगा इसका कलेक्ट करेगा तो नंबर ऑफ पोल जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ ब्रशेस होंगे ये सारी चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होता चला जाएगा बस वेट एंड वॉच करिए अभी अब जब दूसरी तरफ की बात आएगी इधर की बात आएगी वे बाइंडिंग सीलिंग फैन होता है अच्छा ठीक है हो जाएगा जी है ना नीरज कुमार अभी मैं सब बताता हूं अब ये वाला जो कंडक्टर है अब बताओ इसके एक छोड़ तो लौट के आया ही नहीं ये तो आगे बढ़ता रहा तो टर्मिनल कितने बने जी एक अगर कोई मैं कहता हूं ब्रश यहां से खींचेगा तो दूसरा ब्रश इस करंट को यहां से कलेक्ट कर लेगा तो दो ही ब्रश से हमारा पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है तो जो वेव बैंडिंग होते हैं ना इसमें ब्रश की संख्या हमेशा कितनी यूज होगी दो है ना ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आज से जो आपके माइंड में इमेज बन गया कभी याद रखने की जरूरत है क्या नहीं आपको पता है वेव कैसा होता है लेप कैसा होता है है ना तो अगर आपको पता है है वेव वेव में भाई, भाई वेव ही है जब बन गया तो टर्मिनल तो दो ही बचे तो ब्रश की संख्या भी हमेशा कितनी होगी दो लेकिन इसमें इसमें पोलो की संख्या बढ़ती जाएंगी तो ब्रशेस की संख्या भी बढ़ती जाएंगी टू पोल मशीन के लिए ब्रश भी टू फोर पोल मशीन के लिए ब्रश भी कितने फोर है ना तो ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए आई होप सो क्लियर होगा आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा चलिए क्लियर है यहां तक क्लियर है तो थम्सअप करिए एक बार किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए अदरवाइज एकदम थम्सअप करिए मैं एक-एक पॉइंट लिखा देता हूं इसके रिकॉर्डिंग बोलिए जी जी सेमेस्टर के लिए अगर कोई सेमेस्टर का बच्चा है तो इंजीनियर्स ग्रुप पे जा सकता है इंजीनियर्स ग्रुप हमारा दूसरा चैनल है जो सेमेस्टर को डेडिकेट करता है ना सेमेस्टर वाले बच्चे के लिए इंजीनियर्स ग्रुप की क्लासेस लगती हैं सेमेस्टर के लिए आप वहां पे इंजीनियर्स ग्रुप पे जा सकते हो है ना ये कंप्लीट जेई के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म रेगुलर क्लास चलेगी बिल्कुल बिल्कुल अभी सब तक बात पहुंची है तो अभी थम्सअप आ रहा है क्लियर है क्लियर है ओके अब आइए अब मैं यहां पर डिस्कस करता हूं अब मैं यहां पे डिस्कस करूंगा सब चीज डिस्कस कर देता हूं और उसके बाद क्या करेंगे जी उसके बाद क्या करेंगे फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं एक एक चीज पहले डिस्कस कर लेता हूं फिर एक्सप्लेन करेंगे दूसरी बात हमने ये पहली बात बोला कि इसमें ब्रशों की संख्या ज्यादा लगेगी डिपेंड करेगा पोल कितना ज्यादा है इसमें पोल चाहे दो हो या चार हो कितने भी टर्मिनल फाइनली दो ही बचेंगे इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो ब्रशों की संख्या दो ही हो आपके एग्जाम में बड़ा फ्रिक्वेंट पूछता है वाइंडिंग में ब्रश की संख्या कितनी होती है वे वाइंडिंग में ब्रश की संख्या कितनी होती है ना तो यहाँ पे ए, क्या होगा लेफ्ट वाइंडिंग में ब्रश की संख्या जो होगी वो हमेशा नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करता है यहाँ ब्रश की संख्या हमेशा कितनी होगी दो फिक्स है एकदम एकदम फिक्स है ये सब लिखवाऊंगा अच्छे से दूसरी बात सर लेप और वे वाइंडिंग में एक चीज देखता है कि इसमें जो है ये चीजें एकदम सीरीज में ये वाइंडिंग क्या है जी आपस में सीरीज में यहां जो वाइंडिंग है यहां जो वाइंडिंग है ये वहां जो वाइंडिंग है यहां जो वाइंडिंग है यहां जो वाइंडिंग है ये क्या आपस में सीरीज में चल रहा है एक तरीके से है ना लेप वाइंडिंग आपस में क्या चल रहा है जी सीरीज में तो सीरीज में बताइए आप लोग कि सीरीज में क्या नियत रहेगा और क्या बढ़ता जाएगा है ना सीरीज में क्या नियत रहेगा क्या बढ़ता जाएगा मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर एक वाइंडिंग पर एक पर वोल्टेज मैं कहता हूँ वी वन है दूसरे पे वी टू वी थ्री है ना वी फोर या जो भी है सेम वोल्टेज भी है सेम वोल्टेज भी है सब पे दस 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 वोल्ट हो गए तो कितना वोल्ट हो जाएगा जी अगर मैं बोलता हूं अगर सारे वाइंडिंग सीरीज में है सब पे यहां प्रोड्यूस हो रहा है दस वोल्ट इस पे दस वोल्ट इस पे दस वोल्ट इस पे दस वोल्ट इस पे और दस वोल्ट इस पे तो टोटल इस मशीन में क्या होगा दस बीस तीस चालीस पचास वोल्ट तो वेव वाइंडिंग जो होते हैं हाई वोल्टेज होता है सीरीज में है क्योंकि ये सीरीज में तो करंट तो कोई एक फिक्स हो जाएगा है ना सीरीज वाइंडिंग में करंट तो कोई एक फिक्स हो जाएगा तो इस टाइप पे वाइंडिंग में करंट जो है करंट क्या होता है वो आपने फिक्स कर लिया है लेकिन वोल्टेज जितने वाइंडिंग्स होते जाएंगे वोल्टेज राइज करेगा सो so, ऐसे मशीन में वोल्टेज का एडिशन होता है एक वाइंडिंग पे अगर 10 वोल्ट है तो सब सीरीज में कनेक्ट है तो कितने हो गए पचास वोल्ट तो ये मशीन इसीलिए हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं क्या हाई वोल्टेज हाई वोल्टेज क्लियर हाई वोल्टेज बिल्कुल वोल्टेज इंक्रीज कर जाता लेकिन यहाँ के वाइंडिंग में यहाँ के वाइंडिंग में कहूँ यहाँ के वाइंडिंग में थोड़े से यहां के लिए समझना यहाँ के वाइंडिंग में थोड़े से यहां के लिए समझना यहाँ का वाइंडिंग क्या करता है कि जो भी वोल्टेज उत्पन्न हुआ यहाँ तो पर तो यहाँ पर चीजों का ये यह, ये यहाँ पर अगर एक साथ एडिट एडिटिव नेचर का कर देंगे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड आइए जी यहां पे क्या होता है मान लो मैं कहता हूं दस दस बीस वोल्ट उत्पन्न दस वोल्ट दस ये एक साइड दस दस बीस फिर दस फिर दस फिर दस और भी पोल वाइंडिंग होते जाएंगे और भी स्लॉट्स होते जाएंगे दस दस वोल्ट उत्पन्न हुआ तो ऐसे कंडीशन में वोल्टेज जो है फिक्स है दोनों का मिलके कितना हो गया बीस वोल्ट वोल्टेज फिक्स है कितना हो गया जी बीस वोल्ट वोल्टेज कितना बीस वोल्टेज सबका पैरेलल में कितना बीस वोल्टेज लेवल कितना होगा बीस लेकिन अगर मैं कहूं यहाँ पे करेंट आई है I1 है यहाँ पे I2 है यहाँ पे I3 है तो टोटल करंट क्या हो जाएगा I1 plus I2 plus I3. तो ऐसे वाइंडिंग में वोल्टेज सब पे लगभग इक्वल होता है वोल्टेज कांस्टेंट नियत हो जाता है लेकिन करंट एडिटिव नेचर का हो जाता है तो इसीलिए ये मशीन हाई करंट और लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल में ले आ जाते हैं यानी लेप मतलब लो वोल्टेज हाई करंट बात वही होगी और इसमें वोल्टेज का समेशन होता है जोड़ हो जाता है वोल्टेज का लेकिन करंट फिक्स होता है एक ही करंट रहेगा ये बढ़ेगा नहीं सीरीज में जो भी एक करंट इन्होंने मतलब अपने अकॉर्डिंग फिक्स कर लिया वही करंट रहेगा तो ये मशीन जो होता है ये क्या होता है हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं ये हाई करंट लो वोल्टेज ऐसे भी कल ट्रिक बताया था लेप वाइंडिंग क्या बताया था जी लेप वाइंडिंग मतलब लो पोटेंशियल क्या बोला था लो पोटेंशियल लेप नाम से है वर्ड से बजे लेप लो पी पोटेंशियल सो so, ये ट्रिक हमेशा दिमाग में रखना है लेप मतलब लो पोटेंशियल लेप मतलब लो पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल मतलब ले, जहां पोटेंशियल कम होगा वहां पे हाई करंट के लिए एप्लीकेशन में यूज किया जाएगा और जब ये लो पोटेंशियल के लिए तो ये किसके लिए होगा हाई पोटेंशियल तो ये वे बर्निंग हमेशा हाई पोटेंशियल के लिए अप्लीकेबल होता है जबकि हमेशा क्या होता है लो पोटेंशियल के लिए एप्लीकेबल होता है तो आई होप सो एकदम क्लियर रहा होगा कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा जी है ना कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा है ना चलिए अब मैं कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं एक बार कॉन्सेप्ट लिखवा देता हूं nice रोहित जी थैंक यू अब समझिए हमने क्या क्या देखा सर लेप वाइंडिंग और वेब वाइनिंग के रिगार्डिंग परपोल स्लॉट पर्पल पर्पल क्लियर है है ना किस तरह से वाइंडिंग की जाती है ये भी क्लियर है कोडेड क्वाइल वगैरह कोल कोडेड क्वाइल पोल पिच पोल आर्क

वो बात अलग बाद में उसको पैनल में कनेक्ट कर लेंगे ठीक है ना लेकिन ब्रश की संख्या बढ़ेगी ठीक है बी बराबर पोलो की संख्या पर निर्भर करेगा यहां पे फिक्स है कि दो ही टर्मिनल बचेंगे तो ब्रश की संख्या हमेशा दो होंगी उसके बाद अब आइए हमने बोला कि ये मशीन जो है पहले भी ट्रिक से बता दिया था कि ये है लो पोटेंशियल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन करंट का एडिशन होगा पैनल वाने वाणी ये भी पुर, करंट प्रोड्यूस करेगा ये भी ये भी तो जुड़ जाएंगे लेकिन यहां अगर बात करूं तो यहां वोल्टेज बढ़ेगा सीरीज में करंट का वैल्यू सेम रहेगा तीसरी बात तीसरी बात एक ये है पैरेलल पाथ क्या डिस्कशन आता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ तो कहते हैं कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होगा वो किसको बोलते हैं पहले तो यह समझिए ये. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ये देखिए ये कंडक्टर जा रहे हैं ना कंडक्टर क्या कर रहे हैं जा रहे हैं तो इसमें क्या होगा आप कहते हो कि यहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होगा ठीक है ना नंबर ऑफ क्या होगा पैरेलल पाथ देखिए जैसे ये यहां पे इस स्लॉट्स में सारे कंडक्टर गए होंगे इस स्लॉट में सारे कंडक्टर गए होंगे इस स्लॉट में सारे कंडक्टर गए होंगे फिर इस स्लॉट में सारे कंडक्टर गए होंगे इसमें इसमें तो ये आपस में एक क्या बना लिया पैरेलल पाथ ये क्या पैरेलल ही सारे कंडक्टर जा रहे हैं ये भी आपस में क्या बना लिया एक पैरेलल पाथ इसमें भी सारे कंडक्टर जा रहे हैं ये भी आपस में क्या बना लिया एक पैरेलल पाथ ओके ये भी आपस में क्या बना लिया पैरेलल पाथ तो कैसे डिफाइन करूं सर पैरेलल पाथ को कैसे इस स्लॉट पर पोल पे जितने भी कंडक्टर जा रहे हैं जितने भी वो एक पल्लेल पाथ को रिप्रेजेंट करता है पर पोल पर स्लॉट में पर पोल जितने भी स्लॉट्स होंगे उसमें जो भी कंडक्टर जा रहा होगा वो हमेशा क्या होगा जी वो हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल पाथ को हमेशा पैरेलल पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डबल का क्लास है इंजीनियर प्लेटफॉर्म पर जो क्लास है दोनों सेम है क्या आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को हमेशा आप प्रीफर करिए जी वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बातें होती है बट हमेशा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को आप प्रीफर करेंगे जे के बेस्ट सुटेबल कंटेंट आपको यहां पर मिल जाएंगे ओके चलिए अब आपको क्लियर है कि पर पोल पे चाहे जितने भी स्लॉट हो और जितने भी स्लॉट है उसमें जितने भी कंडक्टर होंगे वो कहलाते हैं उसके पैनल पाथ आइए आइए चीजों को समझिए आइए चीजों को और समझिए यहां पे सर अगर अगर पर पर पोल पर कितने स्लॉट है तीन मिले पर स्लॉट पर पोल आपको कितना मिला जी तीन स्लॉट पर पोल कितना मिला तीन अब इन स्लॉट में जितने भी कंडक्टर होंगे वो उसका पाथ कहलाता है जितने भी कंडक्टर जा रहे हो दैट इजल पाथ आइए

टू पोल मशीन के लिए टू होगा फोर पोल के लिए फोर एट पोल के लिए एट ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे कहेंगे जितनी पोलों की संख्या होगी उतनी उसकी पेल पाथ होगी क्योंकि स्लॉट उतने ज्यादा होंगे उसमें जितने भी कंडक्टर आएंगे सब पेल पाथ में कंसिडर होगा सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पेल पाथ यहाँ पे कहने के लिए तो चार बोल देंगे लेकिन चार पोल मशीन के लिए होगा तो हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे जितने पोल दो दो पोल होता तो दो ही हो जाता तो पेलल के पाथ की संख्या हमेशा पोल पर निर्भर करता है पेलल पाथ की संख्या हमेशा किस पर निर्भर करता है जी पोल पर निर्भर करता है बोलिए क्लियर है कि नहीं चीज है ना अब 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 यहां पर बात करें यहां पर तो ये सर कंप्लीट एक पैकेज ऐसे ऐसे के गया है ना गया लेकिन ये जो कंप्लीट गया है तो इसके वाइंडिंग में कैसे रही होगी ये कंप्लीट सब स्लॉट पे जा रहे हैं सब पे जा रहे हैं यहां से गया यहां से गया यहां से गया यहां से गया लेकिन ये कंप्लीट देखना पेल पात जो है कंप्लीट पल पात कहीं ना कहीं दो तरीके से ये गए तो ऐसे हैं, गए ऐसे हैं पर जितना भी जगह घूम के आए हैं फाइनली आना तो इसको यही है तो भाई एक हिस्सा ये बना और दूसरा हिस्सा ये बना ये चाहे कितना भी घूम ले ये चाहे देखो एक सेकेंड के लिए वेव के शेप में घूम रहा है ये कैसे घूम रहा है वेव शेप में तो ये देखना कितना भी घूम रहा है ये घूमने दो जहां तक जितना घूम रहा है घूमने दो घूमने दो और फाइनली फाइनली लौट लौट के के दो दो ही ही टर्मिनल टर्मिनल आने आने हैं हैं इसमें कितने तो इसके केस में जो लेप वो फाइनलील पाथ होता है एक पेल पाथ ये और दूसरी दो ही टर्मिनल में खत्म हो जा रहा है तो पेल पाथ एक ये और दूसरा पेल पाथ ये तो यहां पे पेल पाथ की संख्या हमेशा कितनी होगी ए या स्मॉल ए बोलो इसी को ये हमेशा होगी दो पैरेलल पाथ क्योंकि पे पे एक पे एक 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 टर्मिनल से दूसरे लौट के नहीं कंप्लीट पैकेज बना रहा 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 है तो एक तो 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 पॉजिटिव साइड साइड होगा दूसरा दूसरा नेगेटिव और जिसमें दो ही ब्रश लगेंगे तो पाथ पाथ ये रहा, तो दूसरा पाथ क्या रहा? ये रहा. So, so, क्या सो सो आई होप एकदम क्लियर होना चाहिए लेप सर उस भी बता दीजिए यूजेज सब कुछ बताएंगे जी सब कुछ बताएंगे डोंट वरी ई जनरेशन होगा ना तब आपको रोल पता चलेगा कि क्या है पैरेलल पाथ का एप्लीकेशन ये है क्या जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो पैरेलल पाथ अपने को आता है जब अपन जैसे ई एम जनरेशन जनरेटर का करेंगे ना तो पैरेलल पाथ जरूर कंसीडर करेंगे तो ये टर्मोलॉजी को फिलहाल आपको समझ में आ जाना चाहिए ठीक है इतना चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए दूसरी बात अब अगर यहां पे मान लो स्लॉट्स है यहां पे स्लॉट्स है समझिएगा बारीकी से एक-एक चीज को समझा रहा हूं यहां पर अगर स्लॉट्स है तो अगर दो ही स्लॉट्स मान लो कि यहां है 100 यहां भेज रहे तो 100 निकल गया सब चीज यहां पे वाइंडिंग हमेशा कंप्लीट हो जाता है इस सेगमेंट में हमेशा वाइंडिंग आसानी से कंप्लीट होता है यहां यहां है है अरे भी भी स्लॉट स्लॉट जितना कंडक्टर भेजे उतना निकाल ली जितना भेजे उतना, उतना, उतना ही निकाल लिए जितना भेजे उतना ही निकाल लिए जितना भेजे वहां इतना ही ली तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ये वाइंडिंग प्रोसेस हमेशा कंप्लीट वाइंडिंग प्रोसेस होता है तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा वाइंडिंग एक कंप्लीट वाइंडिंग प्रोसेस होता है और कौन सा वाइंडिंग एक इनकंप्लीट वाइंडिंग प्रोसेस होता है तो लेप में जितना गया उतना लोट के किया गया जितना गया लोट के किया जा रहा है सो एक कंप्लीट वाइंडिंग प्रोसेस होता है फिर दूसरे पोल पे जाएंगे जितना गया उतना ही के किया गया जितना गया उतना ही के किया गया सो इट इज अ कंप्लीट वाइंडिंग प्रोसेस लेप वाइंडिंग में कहीं भी कंडक्टर खाली होने की कोई व्यवस्था नहीं होती कोई गुंजाइश नहीं होती टोटली totally कंडक्टर जो होते हैं पर स्लॉट पे फिल्ड हो जाते हैं जितने कंडक्टर आप चाहोगे उस स्लॉट पे रखना वो हमेशा कंप्लीट हो जाएगा लेकिन दूसरी बात रही दूसरी बात रही इस प्रोसेस में तो अब यहां पे क्या है आपने इसको किया ये किया फिर प्रोसेस से पहले इसको भर देंगे सौ सौ कंडक्टर मान लो भरे फिर ये दूसरा स्लॉट जब चलेगा ये वाला कंडक्टर लॉट के कहां आएगा यहां पे फिर ये इस तरीके से प्रोसेस चलेगा तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना कोई ना कोई स्लॉट्स आपके खाली रह जाते हैं कंप्लीट फिलिंग प्रोसेस नहीं हो पाता कंप्लीट वाइंडिंग की जो फिलिंग प्रोसेस होता है वो आपको थ्री में अभी नहीं दिख रहा लेकिन ये जब कंप्लीट होगा ना जब चीजें चलती रहेंगे तो कुछ ना कुछ स्लॉट्स यहाँ पे अभी तो बहुत कम स्लॉट्स हुआ स्लॉट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं ये तो बहुत कम स्लॉट्स दिया हुआ बहुत ज्यादा स्लॉट्स होते हैं तो ये कुछ ना कुछ क्या होता है खाली रह जाता है फिल्ड कंप्लीटली नहीं हो पाता तो इसको बोलते हैं इनकंप्लीट प्रोसेस वाइंडिंग का वाइंडिंग का यहां पे प्रोसेस जो होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता तो इसको इनकंप्लीट प्रोसेस होते हैं वाइंडिंग के इसमें होता है कंप्लीट प्रोसेस ओके नाउ अगर ये इनकंप्लीट रहा तो कुछ ना कुछ तो स्लॉट्स खाली हो जाएंगे कुछ ना कुछ स्लॉट्स क्या होंगे जी खाली हो जाएंगे है ना कुछ ना कुछ स्लॉट्स क्या होंगे जी खाली हो जाएंगे और सर जब स्लॉट्स खाली हो जाएंगे तो एक रोटर पे हर कंडक्टर पे भरा हुआ है और कुछ कुछ स्लॉट्स अगर खाली रह गए है ना कुछ कुछ स्लॉट्स अगर आपके खाली रह गए तो एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है और इससे रोटर क्या हो जाएगा अनबैलेंस क्या हो जाएगा रोटर अनबैलेंस सपोज दैट मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मान लो सारे स्लॉट भर गए और एक खाली रह गया है ना ये तो बहुत कम स्लॉट्स की मैंने चर्चा किया बहुत ज्यादा स्लॉट्स होंगे साठ साठ स्लॉट्स होंगे स्लॉट्स स्लॉट्स होंगे होंगे है ना बहुत ज्यादा तो कुछ अगर स्लॉट्स खाली रह जाते हैं अगर मान लो कुछ स्लॉट्स खाली रह जाते हैं कुछ स्लॉट्स अगर खाली रह जाते हैं तो इसको इनकम्प्लीट प्रोसेस बोलते हैं क्या बोलते हैं जी इनकम्प्लीट प्रोसेस अगर मान लो यहां पे एक स्लॉट खाली रह गया ये स्लॉट खाली जा गया तो इनकम्प्लीट हो गया और इनकंप्लीट वर्निंग प्रोसेस में क्या होगा अब रोटर हो सकता है रोटर जब ये रोटेट करेगा तो ये हो सकता है क्या अनबैलेंस ये, क्या हो, Unbalance. ये क्या हो सकता है अनबैलेंस ये रोटर क्या हो सकता है ध्यान से समझिएगा ये रोटर क्या हो सकता है अनबैलेंस तो इसको बैलेंस बनाने के लिए जो इसमें कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड डमी ध्यान से समझिएगा सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है इसलिए मैं था एक क्लास आपको देना पड़ेगा और ये एक क्लास में भी आ, काफी ज्यादा समय ले लेगा तब जाके ये टॉपिक कंप्लीट होगा लेप और वे ओके समझिएगा तो इसमें क्या करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं टू बैलेंस दी टू बैलेंस दी रोटर टू बैलेंस मैकेनिकली बैलेंस दी रोटर वी हैव अप्लाई अन अदर एडिटिव या एडिशनल कंडक्टर दैट इज कॉल्ड डमी क्वाल वो काम डमी क्यों क्योंकि वो डमी है सिर्फ यूज नहीं हो रहा उसका मतलब क्या यूज नहीं हो रहा है सर यूज तो कर ही रहे हैं उसको रख रहे हैं समझिए डमी आपने देखा होगा जो दुकान में जैकेट यही पहना ऐसे डमी ऐसे रहता है है कि नहीं ऐसे डमी कहीं देखो ऐसे रहता है 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 कि नहीं डमी डमी वो डमी है जो दिखा रहा है पर वो एक्टिव नहीं है काम नहीं कर रहा मतलब समझिए इसका मतलब इससे क्या है डमी होना और वो काम नहीं करना इसमें हमने क्या किया ये जो खाली रहता है ध्यान से समझिएगा ये जो खाली रहेगा इस खाली में हमने जो यूज किया कंडक्टर उसको बोलते हैं डमी क्वाल डमी क्वाइल तो डमी क्वाइल में क्या होता है कि इसको सिर्फ रखते हैं इसमें कभी भी इसमें उत्पन्न जो ईएमएफ e होगा वो हमारे मेन वाइंडिंग में कभी नहीं जोड़ा जाएगा सो इट्स ईएमएफ क्योंकि ये कंडक्टर अगर कट कर रहा है तो इसमें भी ईएमएफ e कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा लेकिन इसको हम मेन वाइंडिंग से कभी कनेक्ट नहीं करते इट्स नो एनी कनेक्शन इट्स नो एनी कनेक्शन विथ मेन वाइंडिंग विथ मेन वाइंडिंग से कोई कनेक्शन नहीं है तो मतलब कोई एक्टिव नहीं है ये तो एक्टिवली अपने वाइंडिंग को इससे ना तो करंट ले सकते ना वोल्टेज ले रहे इसका सो so, ये सिर्फ एक डमी है जो मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल में यूज किए जाते हैं डमी क्वायल फोर मैकेनिकली बैलेंस फोर मैकानिकली बैलेंस रोटर फोर मैकेनिकली बैलेंस रोटर वी यूज एडिशनल कंडक्टर एडिशनल conductor in slot in slot and it not it is not participate party it is not participate to produce इट इज नॉट पार्टिसिपेट टू प्रोड्यूस मेन ई एम एफ मेन ई एम एफ और सप्लाई ई एम एफ सप्लाई ई एम एफ में ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करता यह बिल्कुल डमी होता कनेक्ट कैसे करोगे ये नहीं कनेक्ट हुआ इसीलिए तो खाली हो गया कैसे कनेक्ट कर लेंगे अगर एक स्लॉट अगर खाली रह गया तो उस को अगर कंडक्टर दिए तो कहां से करने जाओगे अरे वो फिलिंग कंप्लीट प्रोसेस होनी चाहिए ना एक में आपने कंडक्टर चलो डाल दिया फिर इसको कैसे जोड़ोगे फिर उसका प्लस है तो माइनस साइड भी तो कुछ होना चाहिए ना तो ऐसे में नहीं होता ना कंप्लीट वाइंडिंग एक स्लॉट में गया तो फिर दूसरा में लॉट के आना चाहिए ना ऐसा होता है ठीक है चलिए तो आई होप सो आपने ये भी देख लिया कि सर इसके अंदर क्या होता है ना अगर वाइंडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो अपन क्या करते हैं dummy का इस्तेमाल करते हैं किस में वेब वाइंडिंग में किसमें वेव वाइंडिंग में तो ये हमेशा ध्यान रखना अगर कोई भी स्लॉट खाली रहता है अब एक चर्चा यहां पे आएगी डमी क्वाल तो हो गया तो इसमें डमी क्वाल यूज करते हैं तो जो बच गया ना उसमें हम इक्वलाइजर रिंग यूज करते हैं अब कहोगे रिंग क्या होता है डीसी मशीन में एक इक्वलाइजर रिंग होता है जो आपके एग्जाम में भी पूछता है कि यूज किए जाते हैं तो दूसरा पॉइंट इधर डमीक्वाइल आ गया तो इधर प्रोड्यूस क्या हो जाएगा अब इक्वलाइजर रिंग क्या हो जाएगा जी इक्वलाइजर रिंग अब ये इक्वलाइजर रिंग क्या होता है अब इनकी भी चर्चा कर लेते आइए देखिए चूंकि ये वाइंडिंग क्या होता है वेव वाला सीरीज में होता है तो कहीं कुछ फ्लक्स थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी कंडक्टर अगर कट किया तो क्या होगा वोल्टेज का यहां पर एडिशन हो जाता है आसानी से क्या होता है वोल्टेज का एडिशन हुआ और करंट आउटपुट में मिल गया आपको क्या हुआ करंट आउटपुट में ब्रश पर मिल गया ओके ध्यान से समझिए क्या होता है डीसी मशीन में आपको पता है आर्मेचर रिएक्शन होते हैं आगे पढ़ूंगा मैं। अभी तो आपने सिर्फ क्या देखा कि एक पोल है, जितना पोल होगा उतना ही फ्लक्स कि सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स कर दिया तो हम कहते हैं कि यूनिफॉर्मली हो गया लेकिन इस मशीन में यूनिफॉर्मली फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नहीं हो पाए

जैसे बना दिए दस लाइन ऑफ फ्लक्स उतना ही मशीन को हमेशा मिलेगा ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब होता है ओके जब मशीन को लोडेड कंडीशन में चलाते हैं तो ऐसे कंडीशन में समस्या क्या आती है यहां पे देखिए अगर इसमें नॉन यूनि मान लो यहां पे फ्लक्स अलग अलग इस वाइंडिंग के पास पोल के पास नॉन यूनिफॉर्म मिला तो कोई नहीं वोल्टेज थोड़ा जनरेट हुआ इस वाइंडिंग से क्या होगा थोड़ा सा आपको करंट का वैल्यू या वोल्टेज का वैल्यू राइज किया तो ज़्यादा मिल गया थोड़ा सा वोल्टेज के फ्लक्चुएशन मिल जाएंगे लेकिन इस मशीन में क्या होता है कि एक वाइंडिंग के पास अगर ज्यादा फ्लक्स मिला दूसरे वाइंडिंग के पास कम मिला तो इसके कारण इसका अगर 20 वोल्ट हो गया तो पैरेलल में हमेशा कितना होना चाहिए 20 आपको पता है कनेक्शन अगर कोई किया गया है तो उसमें हमेशा वोल्टेज में कितनी चाहिए? बीस। अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन जो है, है बाकी में तो बीस ही हो रहा है तो जब पेल में डिफरेंट वोल्टेज लेवल होगा तो एक सर्कुलेटिंग करेंट उसी ब्रांच में घूमने लगता बात आ गई नेटवर्क की नेटवर्क क्या कहता है यहां से परिस सर्किट थ्योरी क्या कहता है सर्किट थ्योरी कहता है कि अगर दो है, 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 है? है, ये भी 20 का है. तो ये 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 का 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 ओके, और और भी 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 क्या क्या तो दोनों आराम से करेगा? कोई भी, एक दूसरे को करंट करंट नहीं भेजेगा, ये भी अपना भेजेगा अपना मान लो नेटवर्क में भी जानते हैं. क्या होता है नेटवर्क थ्योरी में कि सर अगर समान वोल्टेज है पैरेलल में तो ये करंट ना तो इसको देगा और ना ही ये करंट इसको देगा क्यों क्योंकि सेम सेम पोटेंशियल पोटेंशियल है में करंट कभी एक दूसरे को फीड नहीं करता ठीक है चलिए ये बात तो हो गई सर तो ये हमेशा करंट किसको भेजेगा जी लोड को भेज देगा लोड को भेज देगा लेकिन चर्चा अगर मैं यहीं पे करने लगू थोड़ी सी के लिए थोड़ी सी ध्यान देना अगर इसी की चर्चा में एक कंडीशन में और करूं इसी की चर्चा में एक कंडीशन में और करूं। कि अगर अगर कुछ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाए फ्लक्स नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए क्योंकि वहां पे बहुत सारे फ्लक्स होते हैं आर्मी से होता है तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल मतलब फ्लक्स को हर समय एक मशीन ही तो है आइडियली बना नहीं सकते तो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो जाता है फ्लक्स तो अनइक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है अगर मान लो इक्कीस वोल्ट यहां आ गए क्या हो गए इक्कीस वोल्ट आ गए यहां पर उस वाले वाइंडिंग पे कितना था समान उतना ही था जितना फ्लक्स मेंटेन किए हुए थे 20 था तो जब 21 वोल्ट यहां पे हो गया ध्यान से समझना है, जब यहां पे 21 वोल्ट हो गया ये वोल्टेज बढ़ गया ये उतना ही है तो कहीं ना कहीं वोल्टेज पैरेलल में अनबैलेंस हो गया तो एक जो हाई वोल्टेज है वो लो वोल्टेज के अक्रॉस भी करंट क्या करता है फीड करता है क्या करने लगेगा जी लो हायर पोटेंशियल टू अगर बीस वोल्ट की बैटरी और पांच वोल्ट का बैटरी है तो ऑब्वियसली बीस वोल्ट का बैटरी पांच वोल्ट को करंट सप्लाई देगा है नहीं क्योंकि वोल्टेज का वहां पे गैप है तो यहां पे गैप आ गया तो करंट जरूर इसको भी फीड करेगा इसी करंट को बोलते हैं इस डीसी मशीन में सर्कुलेटिंग करंट क्या बोलते हैं जी सर्कुलेटिंग करंट क्या बोलते हैं जी सर्कुलेटिंग करंट और ये सर्कुलेटिंग करंट क्या करता है वाइंडिंग में घूमने लगता है ये सर्कुलेटिंग करंट इस वाइंडिंग में क्या करता है जी घूमने लगता है ये सर्कुलेटिंग क्योंकि एक में हो गया 21 बोल्ट और एक बाकियों में बीस ही था तो यहां पे एक सर्कुलेटिंग करंट घूमने इसी को बोलते हैं सर्कुलेटिंग करेंट डीसी मशीन में इसको क्या बोलते हैं जी सर्कुलेटिंग करंट आईसी आईसी मतलब सर्कुलेटिंग करंट और इसी करंट को अपने को रिमूव करना होता है इसी करंट को रिमूव करना होता है और इस करंट को रिमूव करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कॉल्ड इक्वलाइजर इक्वलाइजर रिंग रिंग उसी को क्या कहते हैं आई होप सो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि क्या चीजें होती है मशीन के अंदर तो यहां पे डमी क्वाल होता है तो इस मशीन के इसमें क्या होता है इक्वलाइजर रिंग होता है तो इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं टू रिमूव दी सर्कुलेटिंग करेंट विद इन दी वाइंडिंग अपने खत्म करने के लिए और ऐसा क्यों होता है सर क्योंकि मशीन के अंदर अनइक्वल फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है क्या अनइक्वल फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन को खत्म करने के लिए हम इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि अनइक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है एक एक सर्कुलेटिंग करंट मशीन में प्रोड्यूस हो जाता है तो आई होप सो एकदम क्लियर होगा टेलीग्राम है हमारा राजकमल सर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म वाले टेलीग्राम सर्च करिएगा उससे जुड़ जाएगा बहुत सारा पीडीएफ आपको मिलेगा अभी शेड्यूल थोड़ा बिजी है तो इसका भी पीडीएफ नहीं दिया हूं मैं दे दूंगा ओके और बाकी पूरे कंप्लीट इंटायर्ड कोर्स के लिए आप लोग विजिट कर सकते हो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप को ओके चलिए कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए नहीं तो आगे बढ़ते हैं आई होप सो सब चीज को बारीकी से आपने समझाओगे हर एक चीज को बारीकी से आपने समझाओगे ये वाला बैलेंस है तो लोड को करंट जा रहा है लोड को चाहे जनरेटर होगा तो लोड को करंट भेजेगा ये भी लोड को जनरेटर करंट भेजेगा लेकिन कुछ मात्रा में करंट अपने ही वाइंडिंग में करंट सर्कुलेशन होने लगेगा है ना अपने ही वाइंडिंग में सर्कुलेशन होने लगेगा इस चीज से बचने के लिए हम यूज करते हैं इक्वलाइजर रिंग तो टोटली चीज कंप्लीट है सर आपके वजह से मुझे मशीन स्टडी में इंटरेस्ट आने लगा है जी रोहित कुमार थैंक यू जी है ना आई होप सो सभी मजा एंजॉय करे सेशन को ओके okay, चलिए अब इसके पॉइंट को लिख देता हूं यहां तो तक तो हमने समझाया है और लेब बाइंड को समझाया है उसके बारे में पॉइंट को लिख देता हूं इसके बारे में पॉइंट को क्या करता हूं जी लिख देता हूं है ना थोड़ा थोड़ा सा अब शॉर्ट समरी में लिख देता हूं फटाक से शॉर्ट समरी में लिखता हूं चलिए चलिए पहला होगा लेप वाइंडिंग ले और दूसरा होगा वेव वाइंडिंग है ना इसके पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं एक तो लेप है और दूसरा वेव है इनके पॉइंट को लिख देता हूं इसमें क्या हुआ सर यहां पे समझिएगा एक कंडक्टर से जब निकला स्लॉट से तो फिनिशिंग एंड ऑफ अनदर वन क्वायल इज अगेन बिगनिंग ऑफ अनदर क्वायल पे चलने लगते हैं जबकि ये क्या होता है एक कंडक्टर अगर एक स्लॉट पे फिनिशिंग एंड हो गया एक टर्न कैसा होगा? फिनिश कैसा होता है फिनिश का मतलब ये टर्न कंप्लीट हो गया इसको बोलते हैं एक सिंगल टर्न ये जब फिनिश हो गया तो फिर ये अपने बिगनिंग या पहले वाले प्रीवियस क्वाल पर कभी नहीं आते ये किस पे चले जाते हैं अपने एडजेसेंट पोल पे चले जाते हैं तो इसको लैंग्वेज में आपको समझना पड़ेगा है ना इसको लैंग्वेज में समझना पड़ेगा पीजीएस हाँ, सी की जहां तक बात हो गई पीजीसीआईएल का हम अभी कोर्स के बारे में आपको डिस्कस कर देंगे अभी है ना उसका एक कोर्स आपके लिए आ, सेपरेट लॉन्च होगा पीजीसीआईएल का क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम का भी वेटेज होता है तो एस एस सी जे के कोर्स में अगर आप थोड़ा सा कंट्रोल वगैरह भी ऐड कर देते हो तो पीजीसीआईएल के लिए कंप्लीट पैकेज आपका तैयार हो जाता है हम इस पर चर्चा करेंगे फिर आपके लिए कोर्स कंटेंट तैयार करवा देंगे ओके चलिए जहां तक अब मैं बात करूंगा यहाँ पे सर लेप वर्निंग के लिए क्या होता है finishing and finishing and of one turn is again is again is again connect with connect with कनेक्ट विथ बिगनिंग बिगिनिंग क्वाइल्स ओके क्या होता है फिनिशिंग एंड एंड ऑफ वन टर्मस इज अगेन कनेक्ट विथ बिगनिंग क्वाइल्स या प्रीवियस क्वाइल प्रीवियस क्वाइल इसमें यह सीन होता है लेकिन इसमें क्या होता है फिनिशिंग एंड ऑफ फिनिशिंग एंड ऑफ वंट इज अगेन इज वाउंड मतलब लपेटा जाता है वाउंड इट्स नेक्स्ट एडजसेंट पोल एडजसेंट पोल नेक्स्ट एडजेंट पोल पे क्या होता है ये एडजस्ट किए जाते हैं देख लीजिए आपके सामने है, यहाँ पे एंड हुआ फिर इसी पे आ गया है नहीं? कि नहीं? जबकि यहाँ पे क्या हुआ ये कंप्लीट हुआ फिर आगे की ओर चलने लगा फिर क्या किया जी आगे की ओर चलने लगा आई होप सो क्लियर क्लियर होगा ठीक है ना आइए जी आइए 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 क्लियर होगा दूसरी बात यहां पे आपने क्या देखा जितने पोलो की संख्या होगी नंबर ऑफ ब्रश ब्रश की संख्या कितनी होगी जी आपने देखा कि जितनी नंबर ऑफ पोल्स होंगे नंबर ऑफ पोल्स है ना कुछ नया तो नहीं कहा कुछ नया तो नहीं कहा सर वही कहा कि अगर दो पोल मशीन है लेफ्ट बर्निंग है तो दो ही ब्रश की जरूरत होगी कितने ब्रश की जरूरत होगी दो लेकिन पोलो की संख्या बढ़ गया तो आपको तो हर जगह से रिसीव करना पड़ेगा ब्रश की संख्या क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी सो नंबर नंबर ब्रश, लेकिन उसमें क्या होगा वेब जैसा है एक टर्मिनल यहां तो दूसरा लपेट के आएगा फिर फाइनल तो दो ही टर्मिनल बनेंगे तो नंबर ऑफ ब्रश नंबर ऑफ ब्रश जो होगी जिसको आप बी की संख्या बोलोगे वो हमेशा क्या होगा टू तो, अब इसमें हमने बोला नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पैरेलल ये सब समझा दिया हूं है ना एक एक चीज अब लिखने की बारी है जिसको स्मॉल ए या कैपिटल ए में करोगे ये हमेशा कितना होगा जी पोलों की संख्या के बराबर क्योंकि जितने पोल उतने पेलल पाथ्स ये देखिए जितने पोल उतने पेलल पाथ जितने पोल उतने पेलल पाथ, पाथ जितने पोल उतने लेकिन इसमें एक गया और कंप्लीट बन के दो ही आया तो एक पेलल पाथ पॉजिटिव साइड तो दूसरा पेलल पाथ नेगेटिव साइड तो यहां पे नंबर ऑफ पल्ल पाथ बराबर पोलो की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा हर एग्जाम में और नंबर ऑफ पल्ल पाथ यहां जो है जिसको ए बोल रहे हो वो हमेशा क्या होगा जी दो ही होगा फिक्स है ना यहां पे क्या होगा दो ही होगा नौ। no. अब यहां पे एक चीज और बोल सकते हो कि यहां पे इक्वलाइजर रिंग किसमें इस्तेमाल किए जाते हैं और किसमें इक्वलाइजर रिंग नहीं यूज किए जाते हैं किसमें आपके दूसरा प्रोसेस है कि किसमें डमी कॉल यूज होता है किसमें नहीं होता है तो यहां पे यह चीजों को देखते हैं ये क्या है एक इनकम्प्लीट ये कंप्लीट प्रोसेस है आपको जो वाइंडिंग करके दिखाया था यहां देखिए इसके अंदर जो है कंप्लीट कहीं खाली रहने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि दो ही पोल में इसको निपटना है तो खाली रहने की कोई गुंजाइश नहीं है लेकिन इसमें इतने स्लॉट्स होकर गुजरते हैं कुछ ना कुछ स्लॉट्स खाली रह जाते हैं कुछ ना कुछ स्लॉट्स खाली हो जाते हैं जिसको मैकेनिकली बैलेंस करना होता है सो so, इसको बोलते हैं कंप्लीट वाइंडिंग प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं जी कंप्लीट वाइंडिंग प्रोसेस ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं इसको बोलता है कंप्लीट वाइंडिंग प्रोसेस बट इट इज अनकंप्लीट इनकंप्लीट वाइंडिंग प्रोसेस इट इज इनकम्प्लीट वाइंडिंग प्रोसेस ओके इट इज अ इनकम्प्लीट वाइंडिंग प्रोसेस ओके चलिए चलिए नेक्स्ट 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 सर नेक्स्ट हमने बोला लैप वाइंडिंग में कोई भी डमी क्वाइल नहीं होता बट इसमें डमी क्वाइल टू फेल टू मैकेनिकल बैलेंस के लिए इसमें क्या यूज करते हैं डमी क्वाइल क्या यूज करते हैं जी डमी क्वाइल इज यूज इसमें क्या होता है डमी क्वाइल यूज किए जाते हैं और इसमें इसमें क्लाइजर रिंग इक्लाइजर रिंग का इस्तेमाल करते हैं used. है कि नहीं equalizer ring. क्यों करते हैं हर चीज बताया क्यों? क्या होता है डमी क्वाल के बारे में भी हमने बताया यहाँ पे डमी क्वाल क्या होता है डमिक्वल मैकेनिकली बैलेंस के लिए यूज करते हैं लेकिन ये कभी भी हमारे मेन जो जेनरेटेड होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता ये सेपरेट रहता हमेशा ओके नो इक्वलाइजर रिंग क्या है आपको वो भी बता दिया इक्वलाइजर रिंग क्या है बताइए इक्वलाइजर रिंग क्या है इक्वलाइजर रिंग है जो क्या होता है अनइक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है वाइंडिंग्स में वोल्टेज का लेवल चेंज हो जाता है और इसके कारण अपने ही वाइंडिंग में एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगता है इस करंट को रिड्यूस या खत्म करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि लेप वाइंडिंग में होता है ओके वीडियो प्राइवेट मत कीजिएगा देखिए हम तो हमेशा कहते हैं कि आप लोग लाइव रहिए उससे बेनिफिट होता है वीडियो प्राइवेट ना करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा है ना सब अपने मन से देखता कोई आज आज भी आया कोई बाद में आया तो ये दिक्कत हो जाता है इसीलिए आप लोग लाइव बने रहे इस तरीके के बेहतरीन कंटेंट का एंजॉय कर सकते हो नहीं तो क्या होता है जब फ्रीडम अगर किसी भी चीज में मिल गया तो समस्या आनी तय है हमेशा ध्यान रखिएगा आपको इसीलिए एक डेडिकेशन एक टाइम तय कर लेंगे ना थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी पर उससे कुछ बेहतर अचीव किया जा सकता है इसीलिए बोला जाता है हमेशा कि आपको क्या होना चाहिए एक अनुशासन होनी चाहिए है ना अनुशासन से चीजें बहुत बेहतर तरीके से होती है उसमें परेशानी बहुत ज्यादा है हमेशा किसी भी अनुशासन को अगर फॉलो करते हैं है ना रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो उसमें परेशानी थोड़ी है पर उसके रिजल्ट बहुत बेहतर होते हैं बहु हमेशा चलिए ओके okay, तो आई होप सो so, एकदम क्लियर होगा इक्वालाइजर रिंग के बारे में भी दो लाइन चाहो तो लिख देता हूं क्या पता तुम लोग भूल जाओ कोई ठीक थोड़े ना इक्वालाइजर रिंग इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड इन ले पाइंडिंग इन लेप वाइंडिंग ओके लेप वाइंडिंग में इसका इस्तेमाल होता है एज वी नो एज वी नो जैसे कि अपन जानते हैं एज वी नो एज वी नो ड्यू टू अनइक्वल due to unequal flux distribution 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 a circulating current a circulating current फ्लो इट्स ऑन वाइंडिंग इट्स ऑन वाइंडिंग खुद के वाइंडिंग में ओके okay, खुद के वाइंडिंग में क्या करता है सर्कुलेटिंग करेंट जिसको हमने नाम दिया था आईसी क्या नाम दिया था आईसी ओके दस टू रिमूव इट दस टू रिमूव एट वी यूज इक्वलाइजर रिंग इक्वलाइजर रिंग का इस्तेमाल करते हैं ओके आई होप सो so, सारी बातें एकदम केस्टर तो इसीलिए बोलता था है ना ऐसा नहीं कि आर्मेचर हमने पढ़ लिया तो सर आर्मेचर के दिन ही दोनों खत्म करते हैं चाहे तो ये राम कहानी मैं पंद्रह मिनट में खत्म कर सकता हूं लेकिन सिर्फ आर्मेचर के लिए कल पैंतालीस मिनट का लेक्चर दिया था क्योंकि उनसे बहुत सारी जानकारी मिलनी थी ऐसा नहीं कि वो एक सॉलिड कॉर्ड पर उसमें वाइंडिंग होता है इतनी बात पे खत्म नहीं होनी थी उसमें बहुत सारी कहानियां थी है ना और सिमिलरली आर्मेचर वाइंडिंग में भी मैंने बोला था कि एक घंटा भी कम पड़ेगा और चाहूं तो इसमें और भी समय कम पड़ेंगे लेकिन आपके जेई के लिए बहुत सफिशियंट मैटर है इतना आप अगर कर करते हैं तो

हर चीज़ क्लियर हो चुका होगा कहीं कोई समस्या नहीं होगी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा कल फिर मिलते हैं ओके चलिए करते रहिए मेहनत लगे रहिए पूरे एनर्जी के साथ हम भी लगे हुए हैं आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ओके बाय टेक केयर थैंक यू